भूर भवा स्वाहा, जनलोक महरलोक तपलोक ब्रह्मलोक, सात लोक ऊपर हैं, स्वर्ग लोक तो बिल्कुल पृथ्वी से ही ऊपर है, बस उससे ऊपर कितने लोग हैं, परंतु हम यही कहते हैं हमारा स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग में वास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और स्वर्ग में वास होना कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं है। जहाँ पर अप्सराओं के साथ खुला खुला व्यवहार कर सकते हैं, जहाँ पर कोई बंधन नहीं, परंतु स्वर्ग में मृत्यु भी है। इसलिए स्वर्ग कोई बहुत सुंदर स्थान नहीं, वे भी रहने योग्य स्थान नहीं, क्योंकि वहां पर भजन नहीं हो सकता। इसलिए स्वर्ग के वासी भी पृथ्वी में मनुष्य जन्म धारण करने के लिए छटपट करते हैं, तड़पते हैं कि पृथ्वी में हमारा मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाए, क्योंकि इस मनुष्य शरीर से हम कुछ साधन कर सकते हैं, कोई भक्ति कर सकते हैं। स्वर्ग में नहीं हो पाता, वहां नहीं हो पाएगा, इसलिए वो लोग भी तड़पते हैं मनुष्य शरीर, और हमको तो स्वाभाविक मनुष्य शरीर प्राप्त है, परंतु इसका यदि पूरा पूरा उपयोग किया जाए तब इसका फल तब होता है। इसलिए ना धर्म करो ना अधर्म करो, तो फिर करो क्या, बोलते ना धर्म ना धर्मान श्रुतिगण निरिक्त किल करु, ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्यम हितनु। बोलते ना अधर्म करना है ना धर्म करना है, ये दोनों ही बंधन है। ध्रुव जी के चरित्र में भगवान ने 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी को राजा बनाया, ये बंधन हो गया ध्रुव जी का। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी भगवान से दूर बनाई रखे, दूरी बनी रही, और ध्रुव जी विलाप करने लगे, हाय ये क्या हुआ, मैंने दिव्य रत्न को खो बैठा एक कांच के टुकड़े के लिए। इसलिए ये भावना नहीं, तो क्या करना चाहिए, ना धर्म करो ना धर्म करो, तो क्या करो, बोलते हैं वृंदावन के जो राधा कृष्ण हैं इनकी खूब सेवा करो, मन लगा कर। कैसे सेवा करो, भगवान का नाम, भगवान की कथा सुनकर, भागवत जी की कथा सुनकर, भगवान का नाम कर, उनके चरणों में तुलसी अर्पण करके, उनको भोग लगा के, उनकी परिक्रमा करके, उनके भक्तों की सेवा करके। अब देखने में लग रहा है ये तो छोटी छोटी बातें हैं, इससे थोड़ा कुछ होता है, ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बातें हैं। जिस भागवत श्रवण के द्वारा धुंधकारी जैसे व्यक्ति का भी उद्धार हो सकता है, जिस भागवत श्रवण के लिए नारद जी जैसे जगत गुरु भी ललायत रहते हैं, जिस भागवत श्रवण के लिए चतुसेन चार कुमार भी भगवान शेष अनंत के पास जाकर नित्य सर्वत्र भागवत की कथा सुनते हैं, जिन भागवत श्रवण के लिए साक्षात श्री शिव भी कभी पार्वती जी से और कभी पार्वती जी से शिव सब समय भागवत श्रवण करते रहते हैं। ये भागवत श्रवण कोई साधारण वस्तु नहीं, ऐसे अनेक अनेक उदाहरण। इसलिए पापी से पापी व्यक्ति के लिए भी, और जो परम ज्ञानी उसके लिए भी, और जो परम भक्त है उसके लिए भी भागवत जी का श्रवण कोई साधारण नहीं। ये भगवान को अपने हृदय में बसाने की, वशीभूत करने की परम परम विधि का उपाय है। इसलिए सद्यो हृदय अवरुद्धि कृत्य भी शुष्य तत्क्षणात्। एक व्यक्ति जब ये संकल्प ही लेता है कि मैंने भागवत सुननी है, श्रवण करनी है, अभी सुनी नहीं, बोलते सद्य उसी समय भगवान उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। इतना तक भागवत जी में महात्म्य बतलाया। इसलिए वे नाम करना, भागवत श्रवण करना, भगवान की परिक्रमा करना, इन भक्ति के उपाय से इसका फल क्या, इसका फल स्वर्ग नहीं है, इसका फल पुण्य नहीं है, इसको सिर्फ पुण्य कह के इतना छोटा नाम मत देना। हम भागवत सुन के आए जी, पुण्य काम करके आए, ये तो बहुत छोटा सा नाम दे दिया हमने। हम भागवत सुनकर आए, हम भक्ति को प्राप्त करके आए हैं।
पुण्य का फल स्वर्ग तक सीमित है और भक्ति का फल वैकुंठ श्री गोलोक वृंदावन तक जाता है। भक्ति का ये फल है। इसलिए हर वो क्षण जो भागवत के कथा कीर्तन और श्रवण में व्यतीत हो रहा है, जो भगवान के नाम में व्यतीत हो रहा है, वह हर एक क्षण भक्ति मूलक है और उस भक्ति का फल तो भक्ति ही है और उस भक्ति का फल भक्ति है। मतलब जहाँ पर साक्षात श्री राधा कृष्ण विराजमान हैं और उनके चरणों की सेवा हम अपने हाथों से कर रहे हैं, भगवान सामने विराजमान है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान है, ईश्वर। तो ऐसा कभी हम विचार नहीं करें कि अरे ये तो बहुत ही ऊंची बात है, साधु संत उस स्थिति को प्राप्त करेंगे, हम तो संसारी के तुच्छ जीव हैं, हमारा तो फंसे हुए हैं। नहीं, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हर व्यक्ति सवे पुंसाम परो धर्मो यथा भक्ति रधोक्षचे, हर एक व्यक्ति का, बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, हर व्यक्ति का अधिकार है भक्ति को प्राप्त करना। भक्ति किसी भी जाति और कुल के और गुणों के अधीन नहीं, भक्ति स्वतंत्र, स्वतंत्र, सबके लिए एक समान है, ये भक्ति का स्वभाव है। तो इसलिए भले ही हम एक छोटी सी जीवात्मा है, परंतु हमारा जो अधिकार है वो बहुत ऊंचा है। एक साधारण जगत का नागरिक, इस देश का नागरिक भी ये अधिकार रखता है कि वो पूरे देश का मालिक प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई उसको रोक सकता है? कोई कहेगा नहीं, आप बूढ़े हो, वृद्ध हो, आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, आप बड़े युवक हो, आप नहीं बन सकते, आप स्त्री हो, नहीं बन सकते। कोई भी बाधा नहीं है, हर एक नागरिक का अधिकार है। वो इतना ऊंचा पहुंच सकता है कि भारत के सिंहासन पर वो बैठ सकता है। उसी प्रकार ये आत्मा भले बड़ी क्षुद्र और छोटी है, लेकिन इसका अधिकार बहुत बड़ा है। ये इतना ऊंचा बढ़ सकता है कि राधा दास्य को प्राप्त कर सकता है। ये भक्ति का बल है। इसलिए भक्ति का फल भक्ति है, ये पुण्य नहीं। पुण्य का फल तो बहुत छोटा सा होता है, थोड़ा सा सुख देके चला जाएगा पुण्य, बस खत्म। लेकिन भक्ति का फल थोड़ा सा नहीं, चिरकाल तक सदैव हमारे साथ रहेगा, उसका कोई भी विनाश नहीं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि कौन्तेया प्रति जानी नामे भक्त प्रणश्यति, मेरी भक्ति का कभी विनाश नहीं होता। इसलिए कृष्ण जन्म की कथा और व्रज में श्री कृष्ण जो अवतीर्ण हुए, जो जन्म ग्रहण किए, अपने भक्तों को जो सुख दे रहे हैं, जो लीला करके आनंद दे रहे हैं और स्वयं उस आनंद से आनंदित हो रहे हैं, ये सुनना ही एकमात्र अपने आप में भक्ति है। ये वृंदावन की लीला। इसलिए सभी भक्त बड़े श्रद्धा से, प्रेम से और बड़े विचार पूर्वक इन भागवत की कथा को आप श्रवण कीजिए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुशील, आगे सुशील, सुशील, कृष्णा कृष्णा, सुशील सुशील, जय श्री राधे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। हो कृष्णा कृष्णा मैं तो पुकारूं, अब तो कर दे कृष्णा कृष्णा मैं तो पुकारूं, अब तो कर दे दया। श्री राधे,
प्रेम से दोनों हाथ तालियों के साथ ठाकुर जी को पुकारिए, ठाकुर जी का नाम लीजिए। ओ कृष्णा कृष्णा मैं तो पुकारू हूँ, अब तो कर दे दया। कृष्णा कृष्णा मैं तो पुकारू अब तो कर दे दया।
कहां से आया, कहां है मुझको जाना। कृष्णा तेरे चरणों में जो आया, जीवन को पहचाना। तेरे चरणों में जो आया, जीवन को जीवन को पहचाना, जीवन को पहचाना। माया हटाले माधव बचाले, जला दे मन का दया। माया हटाले माधव बचाले, जला दे मन का दिया।